है दांत का उल्टा चश्मा। ए जेठे, तू सबको ऐसे अंगूठा क्यों दिखा रहा है? वो क्या है चाचा जी? जेठालाल को सुबह देर से उठने की आदत है ना, तो हमने शर्त लगाई थी जेठालाल से कि देखते हैं कल सुबह तुम दुकान टाइम पर निकल पाते हो या नहीं। और वो शर्त में जीत गया बापूजी, इसलिए सबको ऐसा अंगूठा दिखा रहा था। चलिए बापूजी। क्या हुआ सेठ जी, आप अंदर आते ही बाहर आ गए? अरे कितना जोर से म्यूजिक बज रहा है। टेस्टिंग चल रहा है ना? किसका? स्पीकर का। पहले बंद करो, म्यूजिक बंद करो। अरे नटू काका, बंद क्यों किया? सेठ जी ने कहा इसलिए। गुड मॉर्निंग वाणी, सुबह सुबह ये क्या नाच गाना चल रहा दुकान में? ये तो आज मैं जल्दी आया तो पता चला कि मेरे दुकान आने से पहले रोज ये सब चल रहा है। रोज कहाँ, सिर्फ आज, और वो भी बावरी जी को स्पीकर खरीदना है इसलिए। इसको सच में स्पीकर खरीदना है कि तुझसे मिलने के लिए खोटे खोटे कस्टमर बन के आई है? नहीं नहीं, मुझे सच में खरीदना है। हाँ तो इतने जोर जोर से टेस्टिंग क्यों कर रहा था भाई? पता है दुकान का सारा कांच ध्रुज रहे थे, कांच टूट जाता था। पर टूटे तो नहीं ना। तो तू क्या टूटने का इंतजार कर रही थी कि एक बार कांच टूटे उसके बाद मैं स्पीकर खरीदूंगी? क्या सेठ जी, आप भी कोई भी कस्टमर या सेल्समैन स्पीकर की आवाज से कांच टूटे तो ही स्पीकर थोड़ी खरीदेगा या बेचेगा। अरे तो इतनी जोर जोर से टेस्टिंग क्यों कर रहा था भाई? वो सेठ जी, बावरी जी को ये स्पीकर अपने मोहल्ले के लिए खरीदना है इसलिए। कितने पीस? एक पीस। और वो स्पीकर ऐसा होना चाहिए जिसकी आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठे। तो क्या है सेठ जी, अभी बहुत सारे त्योहार आएंगे ना, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, इसलिए हम लोग स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा के इसका टेस्ट कर रहे थे। हाँ तो टेस्टिंग करते करते नाचने की क्या जरूरत थी? वही तो बावरी जी की खासियत है, म्यूजिक सुनते ही उनके पैर थिरकने लगते हैं। तो साथ साथ तेरे पांव क्यों थिरकने लगे थे? सॉरी सेठ जी, वो जरा मेरा प्रॉब्लम है, बावरी जी के पैर थिरकते देख मेरे भी पैर थिरकने लगते हैं। तो ये सब थिरकन है ना भाई, वो घर पे करने की, दुकान में नहीं। तो अच्छा यहाँ और कोई कस्टमर नहीं थे, और ना इन दोनों को नाचते हुए देख के अगर सब लोग नाचने लगते तो मुझे बार बोर्ड बदलना पड़ता, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह गड्डा नृत्य शाला। नहीं, इसको जो भी स्पीकर जी वो पैक करके दे दे। नटू काका, आप बिल बना के पेमेंट ले लीजिए और इसको फटाफट यहाँ से रवाना करो। रवाना करूँ? कोई अपने कस्टमर से ऐसे थोड़ी ना बात करता है। जाइए, मुझे नहीं खरीदना स्पीकर। अरे तू कस्टमर के साथ हमारी बावरी भी है ना, इसलिए मैंने वो थोड़ी वो क्या कहते हैं वो लिबर्टी बोली। सेठ जी लिबर्टी नहीं, लिबर्टी। हाँ वो जो भी है। बागा, बावरी जी को स्पीकर पैक करके दे दे। नहीं, मुझे नहीं खरीदना। अरे तो रूट के चली गई, चाचा मना के लेके आ भाई। बावरी जी सुनिए। सेठ जी आपने ये अच्छा किया,
बोनी के टाइम कोई कस्टमर नाराज होके जाए तो अच्छा नहीं लगता। हाँ इसीलिए तो आ गया। क्या हुआ? नहीं मानी? नहीं मान गए तो अकेला क्यों आया? उन्होंने कहा है कि अपने मोहल्ले के एंटरटेनमेंट कमेटी के सामने हमने जो रेट दिया है वो रेट पुटअप करेंगे और अप्रूवल मिलते ही यहाँ आके स्पीकर लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा। वैसे सेठ जी एक मिनट, काका क्या पूछ रहे थे? एक मिनट मुझे तो बताइए। यही कि आज सेठ जी जल्दी क्यों आ गए? हाँ हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? वो सेठ जी नट्टू काका पूछ रहे थे कि आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। वो मैं बताता हूँ, तो एक काम कर, तू मगन को बोल गोडाउन में 5-6 कुर्सी रख दे। क्यों, कोई आ रहा है? वो सब मैं तुझे बताऊंगा, तो पहले बोला उतना करना भाई। लेकिन सेठ जी मगन अभी तक आया नहीं। तो तू जा गोडाउन खोल और 5-6 कुर्सियां रख दे, और साथ में देख तो पानी पीने के ग्लास रख दे 4-5, और 3-4 पानी की बोतल भी रख दे। हा? जी चल मैं तेरी मदद करता हूँ। हाँ जाइए जाइए जाइए, आइए ना टुटा का, आइए आइए। पोपट भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, हाथी भाई, सोडी और टप्पू से ना, क्या बात है, सुबह सुबह आप सब यहाँ। सेठ जी अब समझा, गोडाउन में कुर्सियां इन सब के लिए रखनी है, बराबर? हाँ सेठ जी, नाश्ता क्या मंगवाना है? नहीं नहीं, नाश्ते का अभी टाइम नहीं है नटू काका। क्यों, आप लोग सब कहीं जा रहे हैं? हाँ कहाँ? अरे भाई मैं तुझे सब बात में विस्तार से बताऊंगा, अभी बोला उतना कर, गोडाउन खोल जल्दी, जा भाई। जी जी सेठ जी, जल्दी जल्दी जा 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 जा, चलो खोलते हैं। हाँ, चलो जेठाला हम भी चले। आप लोग आगे बढ़िए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। क्यों, वो मगन अभी आता ही होगा, तो उसको दुकान सौंप के मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ चलो दोस्तों। सेठ जी सब लोग ये, क्या कुछ लफड़ा हुआ है? अरे कोई लफड़ा नहीं हुआ है भाई, तो दुकान संभाल, हम लोग गोडाउन में जा रहे हैं। जा आइए, चलो हम लोग चलते हैं। चलो चलो। आ जाओ भाई, आ जाओ सब लोग आ जाओ। अरे वाह, ले कुछ बराबर, ठीक है। अय्यर भाई ये पकड़िए आपका हवलदार का डंडा, अभी आपको ड्रेस भी दे रहा हूँ, ये लीजिए। जेठालाल इसके अंदर तुम्हारा इंस्पेक्टर का ड्रेस, टोपी और ये डंडा, ठीक है? हाँ। अरे वाह सेठ जी, आज गोकुलधाम सोसाइटी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। फिर मतलब आज गोकुलधाम सोसाइटी में वेशभूषा हरीफाई है? अरे नहीं भाई नहीं। ले तो फिर ये पोपट भाई आपके लिए और अय्यर भाई के लिए हवालदार और पुलिस इंस्पेक्टर के कपड़े क्यों लेके आए? वो हम स्कैमर को पकड़ने जा रहे हैं। स्कैमर? बागा भाई कल सोसाइटी में माधवी आंटी के साथ स्कैम हो गया था। What? Oh no! Scam in the society? कल एक आदमी डिलीवरी बॉय बनकर माधवी आंटी से मिला और उसने माधवी आंटी के मोबाइल पे आया OTP मांगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे किसी भी अनजान आदमी को OTP नहीं देना चाहिए। वही तो गलती हो गई, आईने घाई घाई में उसे OTP दे दिया और वही OTP से माधवी आंटी का पूरा अकाउंट खाली हो गया। अरे बाप रे, आईने इतनी मेहनत से मेरे लिए सोने की चेन खरीदने के लिए 80,000 रुपए जमा किए थे और वो सारे पैसे एक ही झटके में चले गए। ऐसे स्कैमर्स को तो पहले मारते मारते चौराहे तक लेके जाना चाहिए, फिर उन्हें उल्टा लटका के नीचे मिर्ची का धुआं करना चाहिए, फिर भी ना माने तो उस पर कोले बरसाने चाहिए, ताकि ऐसा स्कैम करने की वो दोबारा जुर्रत ना करे। अरे शान शान बागा, वो ठंड रख बागा, ठंड रख। उन्हें सजा देने के लिए कानून है। तो फिर आप लोग कानून की मदद ना लेते हुए खुद कानून बन के क्यों जा रहे हो? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बागा। हाँ बागा, और पांडे जी बंदोबस्त में बिजी है और ये केस सॉल्व करने में उनको टाइम लग सकता है। सही बात है,
और हमें कैसे भी करके कल 12 बजे से पहले उस डिलीवरी बॉय को पकड़ना ही है। 12 बजे से पहले क्यों? क्योंकि हमने ये बात भिड़े से छुपा के रखी है। भिड़े को स्कैम के बारे में पता ना चले इसलिए टप्पू सेना ने भिड़े को एक नकली चेन दे रखी है। और वो नकली सोने की चेन असली है या नहीं ये चेक करने के लिए कल भिड़े सुनार के पास जाने वाला है। अरे लेकिन पोपट भाई, ऐसे तो भिड़े भाई को पता चल जाएगा कि वो चेन नकली है और पोल खुल जाएगी। इसलिए तो पोल खुलने के पहले उस डिलीवरी बॉय का पकड़ा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और माधवी आंटी के पैसे वापस निकलवाना भी। समझ गया, यानी सेठ जी नकली पुलिस वाले बन के उस स्कैमर को पकड़ेंगे और माधवी भाभी का पैसा वापस लेके आएंगे। सिर्फ जयडलाल अकेला नहीं, मैं भी जा रहा है उसके साथ हवालदार बन के। चलो चलो, अभी तुम लोग कपड़े कब पहनोगे? पुलिस के कपड़े पहनो और निकलो। हाँ चलो, आइए अरे भाई आइए। चलो चलो। चेती चेती, हे भगवान, आज का मिशन सक्सेसफुल करना ताकि माधवी आंटी की परेशानी दूर हो जाए। गणपति बाप्पा, आज इनका साथ देना, आज के आज मेरे 80,000 रुपए दिलवा देना ताकि मैं सोनू के लिए असली चेन खरीद सकूं। नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज देखो माधवी, माधवी सब ठीक है ना? नहीं, तुम सुबह से तीसरी बार भगवान के सामने खड़ी प्रार्थना कर रही हो। तो भगवान की प्रार्थना तो कितनी भी बार की जा सकती है ना, ऐसा थोड़ी किसी ने कहा है कि सुबह एक ही बार प्रार्थना कर रही है। ऐसा थोड़ी है, कितनी भी बार हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं ना। हाँ बरोबर है, मैं ये कह रहा था कि भगवान के सामने इंसान बार बार तभी प्रार्थना करता है जब वो किसी मुसीबत में होता है या तो बहुत खुश होता है। खुशी हूँ मैं, क्या है सोनू के लिए नई चेन आ गई ना, तो इसी की खुशी में मैं भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही हूँ कि थैंक यू देवा कि तू चारिश तू, ऐसे ही आपकी कृपा हम पर बरसाते रहना। गणपति बाप्पा। अच्छा मैं क्या कह रहा था माधवी, आपने जो पहचान के ज्वेलर है ना, अलंकार ज्वेलर्स, वो तो खुले रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके पास जाके सोनू की चेन चेक करवाता हूँ। क्यों जाना है आपको? अभी डिसाइड हुआ है ना कि कल जाएंगे, तो आपको बार बार प्रोग्राम क्यों चेंज करना है कशाला? हाँ ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? हाँ ठीक है, कल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जाएंगे अब बोल के कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अरे नींबू रखने जा रहा हूँ माधवी। ये देखो, इनको सच पता चले इससे पहले वो डिलीवरी बॉय को पकड़ा देना और टप्पू सेना और पुरुष मंडली की मेहनत सफल करना, प्लीज प्लीज देवा। बराबर है। वाह जी वाह जेठा ब्रा, ओ तुसी तो एकदम पुलिस इंस्पेक्टर लग रहे हो। ए सॉरी, क्या कुछ भी बोलता है, अरे असली इंस्पेक्टर पिट होता है फैट नहीं। अरे ये सीनियर इंस्पेक्टर है, जमाना का खादेल। खादेल मतलब? अरे मतलब इंस्पेक्टर जब भी सीनियर हो जाता, मतलब बहुत सीनियर हो जाता है ना, तो फिर वो भागा भागी वाला काम नहीं करता, वो पुलिस स्टेशन में बैठ के वहीं से सारा दोरी संचार करता है। जेठा लाल क्या कुछ भी बोलता है, एक तो तुम क्या बोलता है वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे आपका कुछ समझने की जरूरत नहीं है यार भाई, आपको डंडा दिया है ना तो आप डंडा लेके मेरे पीछे पीछे आइए बस। अरे क्या डंडा लेके मेरे पीछे पीछे आओ, मैं हवालदार है चौकीदार नहीं। अरे भाई आप दोनों थोड़े शांति रखो, ऐसे एक दूसरे के साथ सबके सामने झगड़ोगे ना तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी।
सही कह रहे हैं मेहता साहब। ओ यारो, अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहे ना तो सारी दुनिया को पता चल जाना है कि तुसी असली नहीं नकली पुलिस ऑफिसर हो। और फिर सारे प्लान पे पानी फिर जाना है। सही बात है। नहीं नहीं बराबर है यार भाई, चलो अभी सीरियस है, अब एकदम टेंशन में रहने का। टेंशन में? टेंशन में क्यों रहने का? अरे टेंशन मतलब वो चिंता वाला टेंशन नहीं भाई, वो टेंशन। देखो अटेंशन को टेंशन बोलता है। मैं तो अभी भी बोलता है कि मेरे को इंस्पेक्टर बनाओ और इधर को हवलदार। एक मिनट यार भाई, आपको हवलदार नहीं बनना है ना, तो आप ये कपड़े बागा को दे दो, वो बन जाएगा हवलदार। आई आई सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, अय्यर भाई की फुल पैंट मुझे 3/4 होगी सर। तो ठीक है, आप ये नटू काका को दे दो। फिर हवालदार इंस्पेक्टर से सीनियर दिखेगा, चलेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, मगन को हवालदार बना देते हैं। बस करो जेठालाल, बस करो। अरे क्या बस करो पोपटलाल, ये अय्यर भाई हवालदार बनने को तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अय्यर भाई नो मोर डिस्कशन, अभी जेठालाल इंस्पेक्टर बना है तो वही इंस्पेक्टर रहेगा, और आप हवालदार बने तो आप ही हवालदार रहोगे। करेक्ट। मैं फिर से अपना मिशन दोहरा देता हूं, आपको सीसीटीवी वाली दुकान पर जाना है और वहां से कल का सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लाना है। लेके आएंगे? किसमें लेके आएंगे? थैली में। ये देखो जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, मुझे पता है पोपटलाल सीसीटीवी फुटेज थैली में थोड़ी ला सकते हैं। तो फिर क्यों बोला थैली में? आपने मुझे क्यों पूछा किसमें लाएंगे? अरे जाहिर सी बात है, सीसीटीवी फुटेज है, पेन ड्राइव में ही लाना पड़ेगा ना। तो पेन ड्राइव है? अरे चाहिए उतनी है भाई, जाते जाते मेरी दुकान से लेते जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं लेकर आया हूँ। अरे वाह, चलो है बस। जेठा अंकल, अय्यर अंकल, आप लोग प्लीज कुछ भी करके सीसीटीवी फुटेज लेकर ही आना। सुनो बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कैसे भी करके वो सीसीटीवी फुटेज लेकर ही आएंगे। हाँ, उस डिलीवरी बॉय को पकड़ के ही रहेंगे। जेठा भाई, अय्यर, आप लोग ना उस दुकान की सीसीटीवी कैमरा से बच के रहना, कहीं उसमें आपका चेहरा ना दिख जाए। ओए हाँ यारो, वो कल को इन्वेस्टिगेशन हुआ तो तुम दोनों के पकड़े जाने का रिस्क है। अरे उसका टेंशन मत लो, मैं डिलीवरी बॉय का फुटेज कॉपी करेगा और हमारा फुटेज डिलीट कर देगा। सही बात है, फिर तो पकड़े जाने का रिस्क ही नहीं है। चलो चलो, अभी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ। हाँ, ऑल द बेस्ट सेठ जी, अय्यर भाई ऑल द बेस्ट। सेठ जी, ईस्ट और वेस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। हाँ थैंक यू थैंक यू। अभी आप दोनों काम करो, चलो दुकान में जाओ। चलो आते भाई, जाने दीजिए उनको। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। चलो चलो, अभी आप लोग भी जाओ। हाँ चलो चलो। एक मिनट जेठालाल, छोड़ी हमारा गाड़ी आ गया। अरे ओ यार भाई, आप हवलदार है, शांति रखो जरा। छोटे हमारा गाड़ी आ गया। हाँ, मैंने अपने यार को कहा था कि गड्डी लेके थोड़ी दुकान के बाहर मिले, अब तक तो मेरा यार गड्डी लेके आ गया होगा। चलो चलो पवरलाल, हमको सियाब करने आने का जरूरत नहीं है। हाँ आप लोग इधर बैठो, सोडी हमको गाड़ी में बिठा देगा, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं, सोडी के गैराज पर आप लोग का इंतजार करें। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जिस दुकान पर जा रहे हैं ना, वहाँ से सोडी का गैराज नजदीक है। ओ अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो। इतने तो गड्डी नहीं है। हाँ नहीं है। तो फोन लगा के पूछता से आ रहा है कि नहीं। एक सेकंड। हेलो गोल्डी, तू कितने है? वो आया नहीं तो अभी तक। और तुसी कितने हो? मैं तो एड्रेस पूछ के थक गया, तो यहाँ तो लड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं। ये? तू कहाँ पहुंच गया? दिल्ली? है? दिल्ली? ओए चलिया, ओए लड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स तो दिल्ली में है। मेरे यार महिंद्र लड्डा की दुकान है वो। वो अगर लड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई में नहीं है
तो आपने मुझे लड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स आने के लिए क्यों कहा? ओए कुतिया, लड्डा नहीं, मैंने गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आने को कहा था तुझे। ओ अच्छा अच्छा, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां से तो मैं दो बार पास हो गया। हाँ वही तो आना है तुझे, छेतिया हूँ छेतिया। वो आ गया पारी, बस 5 मिनट में आ गया। कहाँ पहुंचा? अब बस पास में ही है, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। दोस्तों, मिशन माधवी भाभी के पैसे वापस लाओ इसकी शुरुआत हो चुकी है और जेठालाल और अय्यर नकली पुलिस वाले बनकर उस दुकान पर जाने के लिए तैयार है जहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या वो दुकानदार इन्हें असली पुलिस वाला समझकर सीसीटीवी फुटेज दे देगा या फिर कोई नई गड़बड़ हो जाएगी? जरा सोचिए, अगर जेठालाल और अय्यर का आमना सामना असली पुलिस वालों के साथ हो गया तो नकली पुलिस वाले बनने के चक्कर में असली कैदी बनकर हवालात में रहना पड़ेगा। भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जेठालाल और अय्यर का आमना सामना असली पुलिस वालों के साथ ना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मामला गंभीर है और हमें हर कदम हूं के रखना पड़ेगा। अब देखना यह है कि हमारा मिशन कामयाब होता है या उसमें कोई गड़बड़ आती है। अगर कोई गड़बड़ आ गई तो माधवी भाभी के पैसे हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएंगे। तो आगे की राह तो बड़ी कठिन लग रही है और मुश्किलों से भरी हुई लग रही है, लेकिन इन मुश्किल राहों में आपके लिए ठाकुर की महफिल ही सजेगी। तो देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे आप